साथ मुखर्जी, जिन्होंने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। आज 42 साल हो चुके इसके स्थापना दिवस को नागौर शहर बहुत ही शान शौकत से मना रहा है। स्थापना के समय भारतीय जनसंघ था, पहले 1951 में बना था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी थी। शहर के अंदर आज रामपोल राम नामी संत मुरली राम जी के सानिध्य में व श्री मोहन राम जी स्थानीय विधायक के सानिध्य में 42वां भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया, जहां सैकड़ों सदस्य आए हुए थे, जिसके अंदर कार्यक्रम का संचालन बजरंग जी महामंत्री ने किया। वे अध्यक्ष थे नंद किशोर जी जांगिड, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष श्री गोविंद प्रकाश जी सोनी ने व महेंद्र जी पाड़िया, डॉक्टर हपूराम जी, जिला मंत्री अपूर्वा जी व महिला सदस्य चंचल जोधा ने कार्यक्रम को संबोधित किया। वे बताया कि आज 42 साल के किस तरह मेहनत करने के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व अडवाणी जी के नेतृत्व में कैसे पार्टी आगे बढ़ी और दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति करके आज भारत की व विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी देश को व दुनिया को एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि जनहित में ही भलाई है, हर एक अंतिम आदमी तक सहायता पहुंचनी चाहिए। यह है भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। नीचे से नीची जाति के और पिछली जाति को हर एक का लाभ मिलना चाहिए, यही है उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का। आज 42वां स्थापना दिवस, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व धन्यवाद। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। पुष्पांजलि कर लो, मैं बाकी नहीं समझता। हृदय स्थल पर पार्टी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा है। आज सुबह से 10 बजे से माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन था। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर उसको सुना, और उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्बोधन दिया, आज वास्तव में वो जो कार्यकर्ताओं का जो कहते हैं ना, उनमें इतनी ऊर्जा हुई है, ऊर्जा भरी है। हर तरह के हर क्षेत्र की जो बातें थी, आज माननीय हर विषय को लिया है, चाहे वो महिलाओं का विषय हो, कार्यकर्ताओं का अंत्योदय योजनाओं को पहुंचाने का विषय हो, सरकार की विभिन्न जो दूरगामी योजनाएं जो भारत को आने वाले 100 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज का दिन बहुत ही अविस्मरणीय है। वैसे किसी भी संगठन का स्थापना दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है। अध्यक्ष जी ने सबको सोचना की, सबको महत्व को समझना चाहिए। आज के दिन हमारी पार्टी की आज से 42 वर्ष पूर्व स्थापना हुई थी। इस महत्व को समझते हुए आज के कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए। हर व्यक्ति को समझना चाहिए, जैसे जिस प्रकार से जन्म दिवस होता है, उसी प्रकार से पार्टी का जन्म दिवस है। हम जन्म दिवस के ऊपर लालच देते हैं, उसी प्रकार से पार्टी का आज का स्थापना दिवस है और उसमें उपस्थित होना चाहिए। आज पार्टी के 42वें स्थापना दिवस बहुत ज्यादा अपने आप में एक जो वर्चस्व रह रहा है। आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूक्रेन में जो स्थिति है या अफगानिस्तान में जो स्थिति है, श्रीलंका में भुखमरी की स्थिति है, तो इस तरह की बहुत सारी त्रासदियां अभी विश्व में फैली है। और हम इस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि आज हम अपनी लाइफ को बहुत ढंग से सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सेफ्टी के साथ जी रहे हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, और इन्होंने संकल्प लिया है और हम आगे इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। इस चीज के लिए
चाहूंगी कि जिस तरह से विचार किसी आज का दिन हम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा दिन ऐसी पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं इसका अनुभव होना चाहिए। घर का हर परिवार बोलना चाहिए कि आज क्या बात है, आज इतने खुश क्यों। जिस प्रकार बर्थडे होता है बच्चा अपना पूरा दिन भर प्रसन्न रहता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी आज के दिन बहुत प्रसन्न और प्रसन्नचित रहना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के लिए गोविंद जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बनाया बता दिया था। बंधुओं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो पुरोधा थे उनका उद्देश्य राज करना नहीं था। वो इसलिए सत्ता में नहीं आए, सत्ता इसलिए चाहिए ताकि हम हमारे जो गरीब पंक्ति में हैं उनका भी हम भला कर सकें, अपना जो राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बन सके। हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लगभग सारी बातें माननीय गोविंद जी के सामने बता दी। सामने बहुत चुनौतियों का समय है, संक्रमण काल चल रहा है। अगर अपन थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां सुखी हो जाएगी। राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र का सपना, राष्ट्रवाद का सपना, अंत्योदय का सपना, विकासोन्मुखी लक्ष्य सारे अपन जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज अपने इस नागौर रामकुंड के पावन प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के 42वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे नागौर के लोकप्रिय विधायक मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मोहन राम जी भाई साहब के पावन सानिध्य में आप सबने और ये कार्यक्रम आयोजित किया और मैं भी मेरी ओर से आप सबको इस भारतीय जनता पार्टी के 42वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। कि उसके कारण जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया और आपातकाल लगा दिया। अखबारों में जो है अपने हिसाब से नहीं छाप सके, सेंसरशिप लग गई। हर क्षेत्र के अंदर व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता, न्याय अध्यादेश जारी होती थी, न्याय क्षेत्र से बाहर, न्याय क्षेत्र से बाहर। क्योंकि 12 जून जो इस क्षेत्र को ये जो है फैसला आया था इंदिरा गांधी के सामने, राज नारायण जी चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा कि ये चुनाव इन्होंने अवैध तरीके से जीता और सिन्हा जी उस समय जज थे और उन्होंने ये फैसला किया कि चुनाव में अनुचित साधनों का प्रयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया, इसलिए चुनाव अवैध। चुनाव अवैध है तो है ही, लेकिन साथ में उनको जो है वो भी जो है इंदिरा गांधी को भी मतलब जो उनका जो है चुनाव अवैध का भाई साहब ने बताया कि हमारे जनसंघ की स्थापना 1952 में हुई। जनसंघ की स्थापना क्यों हुई, कहाँ आवश्यकता पड़ी कि हमें एक जो है राजनीतिक दल का संगठन गठन करना पड़ा। साथियों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका चित्र हमारे यहाँ है, हमारी पार्टी के संस्थापकों में से है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे और उनकी जो तुष्टिकरण की नीति थी एक विशेष वर्ग के लिए, कश्मीर में धारा 370/35 है, ये बात श्यामा प्रसाद जी को स्वीकार नहीं हुई और उन्होंने उसका विरोध किया कि इस देश के अंदर
दो निशान, दो संविधान और दो प्रधान हमें मान्य नहीं है, मान्यवर ये आप जो कर रहे हैं गलत। लेकिन वो उनके दबाव में थे, वो उन्होंने नहीं माना और आप सबने हमारे पार्टी के संस्थापक क्षमा प्रार्थना कर दी, वो उसमें बड़ी दुख हुआ और उन्होंने अपना त्याग पत्र दे करके। आज ही के दिन एक बीज रोपा गया था, जो बीज आज बड़ा होकर एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। तो इस वृक्ष को हमारे पुरोधाओं ने, हमारे संस्थापकों ने अपने खून और पसीने से सींचा था। आज की तरह के वैभवशाली कार्यालय, आज की तरह की ये सुसंपन्न बैठकें उस समय कहां थी? पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय जी जब प्रवास पर निकलते थे तब इनकी जेब में चने होते थे, सेके हुए चने। रात को कहां भोजन करूंगा ये उनको पता नहीं होता था। एक मुट्ठी चने खा के ऊपर पानी पी के अपनी भूख को शांत करते थे। बिल्कुल अजनबी शहर में नए लोगों से संपर्क करके एक टीम खड़ी करना, वहां पे कार्यकारिणी बनाना। आज अपनी कार्यकारिणी बनी, सोचिए उस समय जब विपरीत परिस्थितियों में कि जब पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला और कांग्रेस की तानाशाही नीतियों की वजह से प्रत्येक आदमी डरता था। कांग्रेस इस देश को जैसे भाई साहब ने बताया जातियों में, गुटों में, संप्रदायों में इस तरह बांट रखा था कि कोई आदमी एक होने का कभी स्वप्न नहीं देख पाता था।